ऑल राइट, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू IBTS गाइज। आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिमाचल का जो कोर्स हमारा चल रहा है, विच इज़ रनिंग फॉर HP अलाइड 2024, अलाइड और नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है, अलाइड की नोटिफिकेशन तो आ चुकी है, इलेक्शन के बाद वो एग्ज़ाम डेफिनेटली होने वाला है। इस साल एनडी की नोटिफिकेशन में भी काफ़ी अच्छी जो भर्तियाँ हैं वो आने वाली हैं। आज हमारा डे 18वां है हिमाचल को करते करते, और इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए जो IBTS का जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हिमाचल की प्लेलिस्ट। आज जो शिमला की डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है, जो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है, उसको जानेंगे, और उसके बाद हम थोड़ी बहुत जो बिल्डिंग्स बचेंगे हमारी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो शिमला के जो डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है। देखिए, शिमला की हिस्ट्री का जो मेजर पार्ट है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है जो ब्रिटिश हिस्ट्री है शिमला की, जहाँ पे शिमला में जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पे आएंगे और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो करेंगे, बहुत अलग अलग तरह की बेहतरीन सी बिल्डिंग्स बनवाएंगे यहाँ पे। उनकी हिस्ट्री जो है एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही फार फेच्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो किसी किताब में भी मुश्किल देखने के लिए मिले, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, और बाकी चीज़ें जो हैं MCQs के थ्रू और BCA क्वेश्चंस के थ्रू उसके थ्रू कम्प्लीट होती हैं। चलिए सबसे पहली चीज़ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, शिमला जब भी हम किसी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हैं तो हमारे पास उसका जो है एक तरह का जो सोर्स है वो होता है, तो एक बुक है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट लॉन्ग बॉम के द्वारा लिखी हुई, एक शिमला गाइड है जिसको MH गेरे ने लिखा है। वो लोग अपनी बुक में बताते हैं कि शिमला का जो नाम है वो श्यामला से ड्राइव हुआ है, और श्यामला जो नाम है, श्यामला जो शब्द है वो है एक हाउस था जो कि ब्लू स्लेट से बनाया गया था एक फ़कीर ने, जो हमारी जाखू हिल है जहाँ पे आज के टाइम पे जाखू मंदिर भी है। तो जाखू मंदिर में कहते हैं कि एक जो है घर है वहाँ पे बनाया गया था, एक फ़कीर का घर था, नीली स्लेटों से वो घर बनवाया गया था, और उसको श्यामला कहा गया, उन स्लेटों को श्यामला कहा गया, और उससे फिर धीरे धीरे बाद में जाके शिमला जो है उसका नाम यहाँ पर पड़ा। एक और कहानी हमें बताती है कि जो हमारी गॉडेस काली हैं, ठीक है, उनके नाम पे जो ब्लू फीमेल जो है उनके नाम पे श्यामला माता के नाम पे जो है शिमला का जो नाम है वो बाद में पड़ा है। कहा जाता है कि जाखू हिल साइड के टेंपल साइड पे एक पहले टेंपल था जो कि आज के टाइम पे कालीबाड़ी टेंपल में शिफ्ट कर दिया गया, कालीबाड़ी जो साइट है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, और उसी माता के नाम पे जो शिमला का नाम रखा गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो शिमला का टाउन है वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों जो है उन्होंने धीरे धीरे डेवलप किया जैसे जैसे उनको ज़रूरत थी, क्योंकि जिस टाइम पे आप देखेंगे कि शिमला में एक तरह का मौसम जो है ठंडा मिल गया था यूरोपियंस को। नॉर्मली क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन कहाँ आता है जो यूरोप में, और यूरोप का जो मौसम है वो है काफ़ी ठंडा, कोल्ड मौसम है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे नॉर्मली कहाँ डिप्लॉयड थे, पंजाब, इसी नॉर्दर्न एरिया में, पंजाब में ज़्यादातर डिप्लॉयड थे, और पंजाब की गर्मी उन लोगों को सूट करती नहीं थी। तो एटलीस्ट जो ऑफिसर सर्विंग हैं वो अपनी फैमिली को जो है यहाँ पे शिमला में रख सकें, जो सैनिक हैं वो यहाँ आके कुछ रिट्रीट कर सकें, कुछ पार्टी वार्टी कर सकें, है ना, रिलैक्स कर सकें यहाँ के, और जब छुट्टियाँ हो तो समर वेकेशंस मनाने के लिए जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ सकें, उसके लिए इसको धीरे धीरे डेवलप किया गया, और बहुत सारे वॉइस रॉयस, बहुत सारे गवर्नर जनरल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस जो इसके ब्रिटिशर्स के जो मेन ऑफिसर्स थे उन्होंने यहाँ पे आके स्टे किया, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो है 1885 में बनती है, जो AO ह्यूम है, ठीक है, जो AO ह्यूम यहाँ पे थे जिन्होंने कांग्रेस की फाउंडेशन की, जिनका आइडिया था कांग्रेस को फॉर्म करने का, तो ये AO ह्यूम जो है उनके बारे में हमें एक चीज़ जानने को मिलती है कि AO ह्यूम जो है वो यहाँ पे रॉथनी कैसल में यहाँ पे रहते थे, और रॉथनी कैसल में ही उनको आइडिया आया था कांग्रेस को फॉर्म करने का, ठीक। इसी तरह हमें बहुत सारी और ऑकलैंड हाउस देखने के लिए मिलता है, जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक वो यहाँ आते हैं, एल्गिन जिनकी की चर्च धर्मशाला में आप देखने के लिए मिलती है वो यहाँ पे वायसराय विजिट करते हैं, ठीक। एक टाइम पे शिमला हिमाचल की समर कैपिटल, इंडिया की समर कैपिटल भी बनता है, ये चीज़ भी आप जानते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स की जो हिस्ट्री है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों पर हमके थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, विलियम लॉयड जो है यहाँ पे बताते हैं, एक लाइन है उनकी, कई बार पूछ लेते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट शिमला एंड इट्स सब्लिमिटी कैन बी एफेस्ट फ्रॉम आवर माइंड्स, शिमला की जो ब्यूटी है वो हमारे दिमाग से कभी नहीं जा सकती, ऐसे कथन कहने वाले कौन थे, तो विलियम लॉयड जो है उनका नाम यहाँ पे आता है। इंपॉर्टेंट हिल्स कुछ देखेंगे हम, जाकू की प्रॉस्पेक्ट हिल है, जाकू हिल है,
एलिजियम हिल है, समर हिल है और ऑब्जर्वेटरी हिल है। आप जानते हैं समर हिल जो है यहीं पे आपको HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो देखने को मिलेगा, जाकू मंदिर जो है यहाँ पे आपको मंदिर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ये सारी चीज़ें। ऑब्जर्वेटरी हिल में आपको वाइसरेगल लॉज वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये सारी हिल जो हैं अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, उनका बस नाम रख दिया गया, उनकी थोड़ी सी हाइट जो है वो भी यहाँ पे अलग अलग है। आगे देखते हैं, देखिए शिमला का जो पहला मेंशन है वो हम देखते हैं यहाँ पे। दो ब्रदर्स थे, स्कॉटिश ऑफिसर्स थे, दोनों भाई थे, वो यहाँ पे रहने के लिए आएंगे। पैट्रिक जिराड और अलेक्जेंडर जिराड जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ पे शिमला का मेंशन जो है वो पहली बार करेंगे। ठीक, इसके बाद ये अपने मेंशन में क्या बताते हैं, दे टेल अस दैट जो शिमला है, शिमला वॉज जो ये शिमला का जो एरिया था इट वॉज एक्चुअली द पार्ट ऑफ क्योंथल, और 1830 के आसपास क्योंथल के साथ एक शेयरिंग होती है, क्योंथल को कुछ और एरिया दिया जाता है। देखिए क्योंथल जो है, क्योंथल के पास शिमला का एरिया था, ब्रिटिशर्स को शिमला चाहिए था, उनको अच्छा लग रहा था डेवलप करने के लिए। क्योंथल जो है उसको दो एरिया चाहिए थे, रवीनगढ़ और कोटगढ़। रवीनगढ़ और कोटगढ़ ब्रिटिशर्स के पास था, उन्होंने क्योंथल को दिया और क्योंथल से शिमला अपने पास लिया और बाद में उसकी अपने आप डेवलपमेंट जो है यहाँ पर उन्होंने शुरू की थी। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला मेंशन जो आता है वो जिराड और स्कॉटिश ऑफिसर्स की तरफ से आता है और वो यहाँ पे बताते हैं कि शिमला जो है क्योंथल स्टेट का जो है यहाँ पे पार्ट था। ब्रिटिश कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बताते हैं कि सिख और गोरखा जो है यहाँ पे, एक चीज़ और देखेंगे कि 1814-15 के आसपास जो है यहाँ पे गोरखा जो है यहाँ पे गोरखास के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे मूव करते हैं और गोरखास को यहाँ से निकालते हैं। चौपाल और रवीनगढ़ के कैप्चर की कहानी आप लोगों को याद है कि वहाँ पे गोरखास जो है उनको यहाँ पे निकाला गया था और एक ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है यहाँ पे हुई थी। अब मेन चीज़ जो यहाँ पे आपके जानने वाली है वो ये है कि जो गोरखास हैं उनके साथ जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, उस ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स जो है उनका मेन फोकस जो है यहाँ पे शिमला की तरफ होता है और फिर शिमला की तरफ वो डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1817 के आसपास जो है अलेक्जेंडर जेराड और पैट्रिक जेराड शिमला में आते हैं और यहाँ पे पहली बार मेंशन करते हैं शिमला का। उसके बाद हम देखते हैं कि 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस जो हैं वो यहाँ पे पहला कच्चा हाउस जो है उसको सेटअप करते हैं, कॉटेज ऑफ वुड उसको यहाँ पे सेटअप करते हैं 1819 में। ठीक, 3 साल बाद कैनेडी हाउस जो है उसकी स्थापना यहाँ पे की जाती नहीं मेरे को थोड़ा ठीक है, कैनेडी हाउस यहाँ पे पक्का हाउस जो उसकी स्थापना होती है 1822 में, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोटैटो कल्टीवेशन जो है उसका मेजर जो श्रेय है शिमला में, जो पोटैटो कल्टीवेशन है उसका मेजर श्रेय मेजर कैनेडी को जाता है, कैनेडी यहाँ पे पोटैटो कल्टीवेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एमर्स्ट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। एमर्स्ट देखिए 1827 में यहाँ पे विजिट करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं 1827 में विजिट करते हैं कैनेडी हाउस, यानी जो पहला पक्का हाउस था वहाँ पे वो स्टे करेंगे। पहला पक्का हाउस किसने बनवाया था, तो चार्ल्स पैट कैनेडी जो है उन्होंने यहाँ पे पहला पक्का हाउस बनवाया था। 1827 में जब एमर्स्ट यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे कुछ अपनी उनकी फेमस लाइंस थी जो वो कहेंगे और उन लाइंस जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, द एम्परर ऑफ चाइना एंड आई गवर्न हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस एंड येट वी फाइंड टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में शायद यहाँ पे बात कर रहे होंगे। उसके बाद देखते हैं विलियम बेंटिक जो है 1832 में शिमला आते हैं, कैसल जो है वहाँ पे उनके रहने के लिए बनाया जाता है। ऑकलैंड ऑकलैंड हाउस में रहेंगे और 1838 में जो है यहाँ पे वो विजिट करेंगे। इसके बाद डलहौजी की बात करते हैं, तो डलहौजी भी शिमला में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, 3 समर्स 3 साल कंजर्कटिवली वो शिमला में रहेंगे और 3 समर्स वहाँ पे वो स्पेंड करेंगे। जब वो 3 समर्स वहाँ स्पेंड करेंगे तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो चीनी तहसील थी, जो किन्नौर की तहसील थी, वहाँ से जो है तिब्बत रोड जो है उसको बनाने के जो आइडिया उनको आएगा और 1850-51 में जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है उसकी शुरुआत होगी और 1860 तक वो स्टार्ट हो जाएगा, जो भी ट्रैफिक है उसके लिए उसको ओपन कर दिया जाएगा। एक और संजौली बाजार के नीचे जो एक टनल है उस टनल की स्थापना यहाँ पे की गई 51-52 के दौरान। नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे, चार्ल्स नेपियर जो हैं वो इंडियन आर्मी के कमांडर थे डलहौजी के टाइम पे और वो थोड़े से स्ट्रिक्ट कमांडर थे, वो चाहते नहीं थे कि सोल्जर्स जो हैं वो शिमला के कम्फर्ट में, शिमला का जो मज़ा है उसमें वहाँ पर रहें। तो उन्होंने जो है यहाँ पर 1849 में यहाँ पर बांस कोट में जो है वो यहाँ पर अपना टाइम बिताते हैं। ठीक, बांस कोट के बारे में हम आगे देखेंगे, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी विद इमेजेस, आपको सारी चीज़ें जो है दिखाई जाएंगी।
एडवर्ड जो है उनको बताया जाएगा यहाँ पे, वो एसपी थे शिमला हिल स्टेट्स के, और जो एडवर्ड्स थे उनके बारे में एक बहुत बहुत प्रचलित थी कि उन्होंने बेगार सिस्टम जो है उसको यहाँ पे स्टॉप किया था, कि ब्रिटिशर्स जो है वो किसी बेगार का यूज़ नहीं करेंगे। बेगार क्या था? बेगार वॉज अनपेड लेबर वर्क विदाउट पे, यानी आप काम करेंगे पर आपको कुछ पैसे जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो नॉर्मली जो छोटी कास्ट वाली फैमिलीज थी या गरीब फैमिलीज थी, उनमें से कुछ लोगों को साल का मेजर हिस्सा बेगार में देना पड़ता था, कभी कभी पूरी पूरी फैमिली को भी बेगार में देना पड़ता था। एंड दिस ऑल्सो बिकेम अ मेजर रीजन, जब प्रजामंडल मूवमेंट चलती है तो बेगार बहुत बड़ा रीजन बनता है राजाओं के खिलाफ जो पब्लिक थी उसके एग्रेशन का। तो यहाँ पे बेगार सिस्टम जो है उसको अबॉलिश किया गया एडवर्ड्स के द्वारा, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद का सामान कैसे खुद धोएं, बेचारे खुद चल के कैसे जाएंगे, उनके पास इतना जोर नहीं है, तो बेचारों को बेगार तो चाहिए थी। तो फिर वहाँ पे ब्रिटिशर जो थे उन्होंने जो हुकूमत थी उसको प्रेशराइज किया, और विलियम हे जो है, विलियम हे के टाइम पे फिर से यहाँ पे जो बेगार है उसको रीइंस्टेट किया गया, इनको दोबारा से वहाँ पे बेगार जो है वो दोबारा से अवेलेबल की गई ब्रिटिशर्स के लिए। आगे हम देखते हैं शिमला एंड शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, एक बुक है जो कि ईजे बक ने यहाँ पे लिखी है। 1871 में शिमला को जो है उसको फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी जो है उसका यहाँ पे जो कैटेगरी है उसको दे दी गई थी। मेनली देखिए अर्बन एरिया के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारी पॉपुलेशन हो, मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के सिवाय जो भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, सर्विस क्लास एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें लोग जो हैं वो ज़्यादा इंप्लॉयड हों, तो फिर उस एरिया को अर्बन एरिया का श्रेणी में रखा जाता है। हिमाचल में इस टाइम पे सिर्फ शिमला को ही अर्बन एरिया माना जाता है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अलायंस बैंक ऑफ शिमला था जिसको कि 1874 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट 1939 में HRPM हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो है उसको भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था पंडित पदमदेव, जो इन जिनको कि यहाँ पे शिमला में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी, तो HRPM जो है इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रजामंडल मूवमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका जो है इन्होंने निभाई थी। 1939 के आसपास यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, और शिमला में पंडित पदमदेव जो है उन्होंने इसको, पंडित पदमदेव जो है यहाँ पे इसके प्रेजिडेंट रहेंगे। ठीक है जी, कई बार दो तीन जगह की तरह की डेट्स आती हैं इसमें, कई बार कहा जाता है कि दिसंबर 1938 में इस्टेब्लिश किया गया, कई बार 1939 में, ऑप्शन बहुत क्लोज ना नहीं आते हैं इसमें, तो देखा जाएगा जैसे ऑप्शन जिस हिसाब से आते हैं। नॉर्मली 1939 बहुत सारी जगह पे देखने के लिए मिलता है। शिमला जो है वो बर्मा गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर भी था 1942 से लेकर 45 तक। गांधी जी देखिए सबसे पहले पूछा जाता है पहली विजिट कब थी गांधी जी की, तो 1921 में थी और 1946 में थी। 10 बार उन्होंने शिमला को विजिट किया, 1931 एक ही साल में 3 बार विजिट किया 1931 में। कुछ शिमला की उनकी विजिट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, मई 12, 1921 को मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ यहाँ पे पहली बार आए। ईदगाह मैदान जो शिमला का रिज मैदान है वहाँ पे वो रहे, और वहाँ पे उन्होंने भाषण वगैरह भी दिया था। वहाँ पे उस टाइम वायसराय कौन थे, तो आप लोग जानते हैं वायसराय रीडिंग उस टाइम पे वायसराय थे। यहीं 1925 के आसपास आप देखेंगे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है शिमला की, वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है। समरेल में एक शांति कुटीर नाम की जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी उन्होंने स्टे किया था। 26 अप्रैल 1930 में विठल भाई पटेल जो है उनके साथ यहाँ पे आए थे, और उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट थे। विठल भाई पटेल यहाँ पे जो है रिज़ाइन करते हैं, और रिज़ाइन करने के बाद वो गंज बाज़ार जो है वहाँ पे एक लार्ज गैदरिंग जो है उसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं, और यहाँ पे उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे, बाल भारत सभा जो है उसको फाउंड करने वाले जो थे उनका नाम था दीनानाथ। कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके ऊपर इसको मॉडल किया गया, अगर ये पूछा जाए तो पंजाब नौजवान भारत सभा जो थी, जो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी 1928 में, उसके ऊपर बाल भारत सभा को मॉडल किया था दीनानाथ ने। और दीनानाथ जो है उनको आंधी भी यहाँ पे कहा गया, और जब उनसे कोई नाम पूछते थे तो वो अपना नाम आंधी बताते थे, और बाप का नाम पूछते थे तो गांधी बताते थे, तो इसलिए उनको आंधी सन ऑफ गांधी के नाम से भी काफ़ी फेमस वो यहाँ पे हुए थे। और इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, चलिए अच्छा है ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। 1945 में जो वेवल कॉन्फ्रेंस थी उसमें महात्मा गांधी जो उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं किया था। नेक्स्ट 1971 में शिमला जो है उसको इंडो पाकिस्तान समिट जो था, आप लोग जानते हैं 1971 के वॉर में बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई, रिजल्ट ये रहा। और शिमला जो है, शिमला में इंडो पाकिस्तान समिट जो है उसका जो
इंडो पाकिस्तान समिट था जिसमें कि कुछ नेगोशिएशन होनी थी, वो यहाँ पे बांस कोट और एलर्जाइल जो था यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, कुछ कुछ यहाँ पे जो भी डेलीगेशन थे उन्होंने यहाँ पे भाग लिया। तो चलिए अब थोड़ा सा जो शिमला की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है चलिए, सबसे पहले ये देखिए जरा कौन सी बिल्डिंग है, पहचानी है? बिल्डिंग तो नहीं है ये, अनाडेल ग्राउंड है। ठीक है जी, देखिए अनाडेल ग्राउंड है, पहला फनफेयर यहाँ पे लगा था शिमला का 1833 में, जिसका रीज़न ये था कि जो गर्ल्स स्कूल था वहाँ पे उसके लिए कुछ ना कुछ जो फंड्स हैं वो इकट्ठा किया जाए। सबाथू में एक गर्ल्स स्कूल बनाना था, उसके लिए कुछ फंड्स इकट्ठे करने थे। एक बाइसिकल डांस, एक बड़ा भव्य डांस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, क्वीन का बर्थडे था 1839 में। ड्यूरंड कप जो है यहाँ पे 1888 में पहली बार शुरुआत इसकी की गई थी, मोर्टिमर ड्यूरंड ने शुरुआत की थी। एशिया कप सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट यही है। करंटली आप देखेंगे तो अनाडेल जो है एक आर्मी एरिया है, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, कंपनी का बाग भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट रिज जो है इसकी फाउंडेशन ले की थी रे डेनियल विल्सन ने। ठीक है जी, डिज़ाइनर इसका याद रखेंगे जेटी बॉयलू, 1844 में इसको डिज़ाइन किया गया था, 1857 तक आते आते बिल्ड हो गई थी, रिज के ऊपर इसको बिल्ड किया गया था। ठीक है जी, जो क्लॉक है इसके ऊपर बहुत बड़ी क्लॉक यहाँ पे आप देखते हैं जो शिमला में है, वो यहाँ पे कर्नल डम्बल्टन जो है इन्होंने यहाँ पे डोनेट किए थे 1860 में। नेक्स्ट गंज बाजार जो है 1848 में एडवर्ड जो है उन्होंने गंज बाजार को ब्लेंड किया था। याद रखेंगे एडवर्ड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो आपका बेगार थी उसको भी इन्होंने यहाँ पे डिसमिस किया था कुछ टाइम के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 1830 में ये जो बिल्डिंग थी यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बांस कोट इस बिल्डिंग का नाम है, टूडोर स्टाइल में ये बनाई गई थी, बाहर का स्टाइल था। याद रखेंगे पुराने टाइम में समर रेजिडेंस होता था, ये किसका होता था? तो कुछ आर्मी के कमांडर इन चीफ होते थे। ठीक है जी, कुछ आर्मी के कमांडर इन चीफ होते थे जिनका ये रेजिडेंस यहाँ पे रहा। एडवर्ड बांस सबसे पहले कमांडर जो थे यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद अगले आने वाले जो कमांडर्स हैं वो रहेंगे। तो 1932 में एडवर्ड बांस यहाँ पे रहेंगे और उन्हीं के नाम पे फिर बांस कोट जो है उसका नाम रख दिया जाएगा। 1830 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, याद रखेंगे विलियम बेंटिक के आने से जस्ट 2 साल पहले। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी 1857 की जो रिवोल्ट था उसकी न्यूज़ यहाँ पे जनरल लंसन जो है उनको दी गई थी बांस कोट में। समर राजभवन भी था ये पंजाब के लिए 1966 तक, उसके बाद जो है सारा एरिया जो है वो हिमाचल में आ ही गया था पंजाब का, तो फिर ये सारा एरिया भी शिमला का जो एरिया है वो हिमाचल को मिला और फिर हिमाचल में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया के लिए रहा। आज के टाइम पे आप देखें तो गवर्नर का ये रेजिडेंस आपको देखने में मिलेगा, टेम्परेरी रेजिडेंस। और 1972 में आप देखेंगे शिमला एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे साइन किया गया था बांस कोट में ही। ठीक, बांस कोट के पहले देखेंगे आप तो पीटर हॉफ जो है, पीटर हॉफ यहाँ पे राजभवन होता था, और 1981 में उसमें पीटर हॉफ में जो यहाँ पे आग लग गई थी, उसके बाद जो पीटर हॉफ का जो राजभवन था उसको यहाँ पे जो है शिफ्ट किया गया और गवर्नर रेजिडेंस जो है कुछ टाइम के लिए बीच बीच में टेम्पररी रेजिडेंस जो है यहाँ पे हिमाचल का जो है वो बांस कोट रहता है। आगे देखेंगे शीशे वाली बिल्डिंग है जी, ये रोतनी कैसल, मेनली जो वाइसरॉयज थे उनके रुकने की ये जगह थी। इंटरनेशनल कांग्रेस बनाने का जो आइडिया है एहूम को, ये भी तब इसी टाइम पे आया था, जाक वेल के ऊपर ये सिचुएटेड है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे बाउनी मून, एक म्यूजियम है, रॉबर्ट हिटलर जो है उन्होंने यहाँ पे इसकी फाउंडेशन की है। वाइसरेगल लॉज की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेटरी हिल के ऊपर ये लोकेटेड है, जुगबतिन स्टाइल में बनाया गया है। इसके आर्किटेक्ट का नाम याद रखेंगे, आर्किटेक्ट जो है उनका नाम है हेनरी अरविन, और डफरिन के टाइम पे ये बनाया गया था। 8 साल लगे थे इसको बनने में, 1880 से लेके 1888 तक यहाँ पे वाइस रीगल लॉज तैयार हुआ था बनके। आज के टाइम पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है। 1960 तक राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पे आके रहते थे, लेकिन बाद में इस प्रथा को जो है यहाँ पे ख़त्म किया गया कि इस बिल्डिंग को किसी अच्छे यूज़ में लाया जाए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के लिए ये बिल्डिंग जो है अब यहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे चौड़ा मैदान जो है यहाँ पे एक बिल्डिंग है लोकेटेड है, नाथुराम गोडसे जो है उनका ट्रायल भी इसी बिल्डिंग में हुआ था। एल्गिन जो है वो भी यहाँ पे पहले वायसराय बनेंगे जो इस बिल्डिंग में रहेंगे। ठीक है जी, आज के टाइम पे ये बहुत बढ़िया एक होटल है, HPTDC के अंडर है, हेरिटेज होटल है।
उस टाइम के लिए गवर्नर रेजिडेंस था, लेकिन आज के टाइम में आप लोग जानते हैं कि बांस कोट जो है वो आज के टाइम पे गवर्नर रेजिडेंस आपको देखने के लिए मिलता है। और 1863 में पीटरहॉफ जो है उसने पंजाब हाई कोर्ट की तरह भी सर्व किया है। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये जो है पीटरहॉफ की जो है यहाँ पे बिल्डिंग है, पीटरहॉफ की बिल्डिंग जो है वही 1863 में पंजाब हाई कोर्ट की तरह भी इसने यहाँ पे सर्व किया था। आगे देखेंगे जो 1888 में हेनरी अरविन जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। रिज के ऊपर इसका लोकेशन है यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। देखिए ये रिज का अलाई एरिया है, यहीं पे आप लोग आगे जैसे देखेंगे तो भाई इस परमार की यहाँ मूर्ति भी देखने के लिए मिलेगी। ये बिल्डिंग आप लोगों ने बतानी है, ये इस बिल्डिंग का नाम क्या है। आप लोगों को मैं ऑप्शन दे देता हूँ, क्या ये टाउन हॉल है, क्या ये एमसी बिल्डिंग है, क्या ये आपकी पीटरहॉफ की बिल्डिंग है, या फिर ये आपकी जो है ऐसे समझिए कि जो गेटी थिएटर है उसकी बिल्डिंग है। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे और यहाँ पे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। गेटी थिएटर जो है इसकी बिल्डिंग आप सामने देखेंगे, 30 मई 1827 में बनाया गया था। पहला प्ले यहाँ पे टाइम विल टेल, समय ही बतलाएगा, ये यहाँ पे प्ले किया गया था। रिपन हॉस्पिटल आप देखेंगे बस स्टैंड के साथ ही है, 1885 में हेनरी अरविन ने इसको डिज़ाइन किया था और यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग बता दिया आप लोगों को, 1925 जो है यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था वो रीडिंग के टाइम के दौरान। हिमाचल धाम जो कि आज के टाइम पे आकाशवाणी भवन है, जो एफएम केंद्र है वो है, फॉरन ऑफिस बिल्डिंग होती थी पहले, आज के टाइम पे आकाशवाणी भवन है। ठीक है, ये बिशप कॉटन स्कूल है शिमला का, ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल है। ठीक, फाउंडर कौन थे, 1859 में जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन। ठीक है, जो तोक में इसको बनाया गया था, 1863 में पहली बार खोला गया, 1866 में इसको शिमला शिफ्ट किया गया जॉन लॉरेंस के अंडर। एक और चीज़ याद रखेंगे, 1864 में शिमला जो है उसको यहाँ पे इंडिया की जो है समर कैपिटल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, और ये भी जॉन लॉरेंस के टाइम पे डिक्लेयर किया गया था इसको। ठीक है जी, आज के टाइम पे 1868 में इसको दोबारा मूव किया गया था, और आज के टाइम की जो प्रेजेंट साइट है वहाँ इसको मूव किया गया, जो कि थी नॉल्स वुड। ठीक है जी, शिमला की जो एमसी कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी, पहली बार कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1852 में। 1871 में फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी जो है उसको बनाया गया यहाँ पे। कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे आपकी क्लास जो है वो चेंज होती रहती है। शिमला जो है उसकी म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया। कॉरपोरेशन बनाने का मतलब ये है कि आपके पास जो है एरिया बड़ा हो गया और पॉपुलेशन बड़ी हो गई है, तो उसको संभालने के लिए कमेटी से काम नहीं चलेगा, एक बड़ी कॉरपोरेशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1978 में इसको म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन जो है शिमला को बनाया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट इज यहाँ पे आप देखेंगे एक आइस स्केटिंग रिंक है शिमला में, जो कि ब्लेसिंगटन ने स्टार्ट की थी अराउंड 1920। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे याद रखेंगे, हाईएस्ट आइस स्केटिंग रिंक जो है वो काजा में है, 3720 मीटर उसकी हाइट है। गॉटन कैसल की बात करेंगे तो न्यू गॉथिक स्टाइल में बनाया गया था 1901-1904 के बीच बीच, और एजी ऑफिस जो है आज के टाइम पे 2014 में इसको बनाया गया था। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है यहाँ पे इसको बनाया गया था बाद में। ठीक है जी, इसको याद रखेंगे। बेंटनी कैसल की बात करें, देखिए बहुत पुरानी सी एक बिल्डिंग है बेंटनी कैसल है। एलरजाइल, ये नीली ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है यहाँ पे वो एलरजाइल बिल्डिंग है। एच एस एबर्ट जो है उसने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है गवर्नमेंट की यूज़ के लिए 1886 में, यानी गवर्नमेंट जो कांग्रेस थी उसकी फॉर्मेशन के जस्ट एक साल बाद यहाँ पे एलरजाइल हाउस जो है उसकी फॉर्मेशन की गई थी। मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको पहले यूज़ करती थी। हिमाचल का जो सेक्रेटरी है इसने उसको जो सेक्रेटेरिएट है वो यहाँ पे 1967 में यहाँ और यहाँ पे इसको ऑक्यूपाई करता है, प्रेजेंटली भी सेक्रेटेरिएट जो है वो यहीं पे बैठा है। 1972 में एक समिट हॉल है, जो कि इंडो पाकिस्तान समिट के दौरान ही यहाँ पे जो है इसको कंडक्ट किया गया था, और वो एलरजाइल हाउस जो है वहीं पे इसको एलरजाइल हाउस जो है वहीं पे कंडक्ट किया गया, और फाइनल सिग्नेचर जो है वो बाद में जाके बांस कोट में होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का जो है शिमला की जो डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है विद ब्रिटिश हिस्ट्री और विद जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि आप लोग क्लास आइए और क्लास आके इन्हीं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, ताकि वो चीज़ें
बार बार आप सामने से पूछ भी सकते हैं और क्विजेज होती रहती हैं, टेस्ट होते रहते हैं, तो आप आइए और आके जो है यहाँ पे एडमिशन लेके ऑफलाइन जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी आप लोग इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, सेम PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू गाइस नो द ड्रिल। जिसको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है, यूट्यूब के नीचे क्लिक करके देखिए और वहाँ जाके आपको एक एरो मिलेगा, वहीं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो PDF मिल जाएगी। नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, कोई भी और अधिक जानकारी के लिए आप लोग उसी नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करिए, हमसे और कुछ और जानकारी चाहिए तो बोलिए। आपके सारे रिकमेंडेशंस वेलकम है, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखिए अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।